हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। मेरा आज का वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस बात की बहुत टेंशन रहती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनका बेली फैट आ जाएगा, मींस उनके स्टमक जो है वो कम होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सभी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी बेली जो है वो बढ़ती रहती है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि किस तरह से हम अपनी बेली फैट को आफ्टर प्रेगनेंसी कम कर सकते हैं, या फिर क्या हम ऐसी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में अपनाएं जिससे ईजिली हमारा बेली फैट कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद हमारा सिर्फ बेली फैट ही आता है। आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी ओवरऑल जो बॉडी होती है उसके ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन टाइम रहते ये सारा फैट कम हो जाता है, लेकिन जो बेली फैट होता है वो बहुत डिफ़िकल्टी से कम होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैट एक्यूमुलेट तो हो जाता है लेकिन इसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा बेली फैट ईजिली कम हो जाए? सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से या फिर सिर्फ डाइटिंग करने से ये फैट कम नहीं होता। आपको कुछ ऐसी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है जिससे आपका बेली फैट कम हो जाए। मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब हमारी स्टमक अलग से दिख रही होती है, अलग से नज़र आ रही होती है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है आफ्टर प्रेगनेंसी, या जब मैंने अपनी बेटी डिलीवर करी थी उसके बाद मेरा पेट अलग से दिखना शुरू हो गया था। तो मैंने अपनी रूटीन में बहुत चेंजेस लाने शुरू किए जिस वजह से मेरा फैट, बेली फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सबसे पहले है कि आप एक ऐसी ड्रिंक प्रिपेयर करें जो आप रोज़ सुबह उठकर पिएं। मैंने अपनी रूटीन में एक ऐसी ड्रिंक प्रिपेयर कर ली थी जिसे मैंने 2 मंथ्स कंटिन्यूसली फॉलो किया और मुझे इसमें 15 दिन बाद ही चेंजेस दिखने शुरू हो गए। ये मैं आपको एक छोटा सा रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह से आप ये ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस ड्रिंक को प्रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि क्या ये रेसिपी है जिससे हम अपनी बेली फैट को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 3 कप पानी, और उसमें आप 1 स्लाइस कुकुम्बर का डाल दीजिए, 1 ग्रेटेड जिंजर, फ्यू मिंट लीव्स एंड अ लेमन। आप ये चीज़ों को भिगोकर या फिर पानी में डालकर रात भर छोड़ दीजिए और इस मिक्सचर को सुबह उठते ही खाली पेट पी लीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप 2 हफ्ते तक इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे कंटिन्यूसली तो आपको आपके बेली फैट में बहुत चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि आप डिनर लेट ना करें, क्योंकि डिनर एक ऐसी मील है कि इसके बाद हमें एक्सरसाइज करने का बहुत कम टाइम मिलता है, या फिर आफ्टर डिनर हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जिस वजह से जो हमारा खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना डिनर लाइट रखें। हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो किंग साइज होना चाहिए और जो हमारा डिनर होता है वो बहुत कम होना चाहिए। मैं अपने डिनर में प्रेफर करती हूँ कि मैं सिर्फ 1 कटोरी दाल और अ प्लेट फुल ऑफ सैलेड ही कंज्यूम करूँ। ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमें सोने में भी आसानी होती है, साथ ही साथ ये आपके बेली फैट को भी अच्छे से कम करने में हेल्प करता है। थर्डली, इन टेक ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। हमें अपनी डाइट में बहुत पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इजीली फंक्शन कर पाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पाएगा तो आपको बेली फैट या फिर मोटापे की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका खाना ज़्यादा देर तक आपके पेट में एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप खाने के टाइम पे या फिर खाने के दौरान पानी ना पिए। आप कोशिश करें कि आप खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। पानी को एकदम से खाने के बाद ना पिए। नेक्स्ट इज इनटेक ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। हम क्या करते हैं, हमें भूख लगती है तो हम स्नैक्स या फिर फ्राइड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी बेली के लिए बहुत डेंजरस होता है और हमें हमारी बेली को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। इससे हमारा बेली फैट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सिट्रस फ्रूट्स या फिर और भी फ्रूट्स को कंज्यूम करें। इससे आपके फेस पे भी ग्लो आएगा और साथ ही साथ आपका बेली फैट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज, एरोबिक्स एंड योगा।
ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अगर हम अपनी डेली रूटीन में कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस को ले आएंगे या फिर एरोबिक्स घर पे ही कर लेंगे तो इससे हमारी बेली फैट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लास्ट वन इज़ बॉडी मसाज आफ्टर प्रेगनेंसी। ये मैं सिजेरियन वालों को सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि सिजेरियन वालों को 3 मंथ्स तक कोई भी मसाज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उन्हें अपने बेली एरिया की अच्छे से मसाज करवानी चाहिए जिससे उनका बेली फैट जल्द ही डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके बेली फैट को कम करने में हेल्पफुल होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि और कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके साथ हम अपने बेली फैट इजीली कम कर सकते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी एंड